माँ बाप खुद फिक्रमंद नहीं होते। अगर माँ बाप को यह पता हो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा बेटियों को हिस्सा नहीं देगा, उनको जिंदगी में वसीयत करनी चाहिए, एक विल बना करके जाना चाहिए कि मेरे मरने के बाद शरीयत के मुताबिक मेरी जायदाद तकसीम हो। और ये बेटियों के लिए ना करें, ये बेटों के लिए करें, बेटों के लिए करें। देखिए भाई, आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, नुकसान किसका है ज्यादा बड़ा? ज्यादा बड़ा नुकसान किसका है? हाँ, बेटी का कोई नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा ना। बेटे का नुकसान है कि जहन्नम में जाएगा वो। अगर बेटों से सच्ची मोहब्बत है ना, तो फिक्र करे कि आपका बेटा जायदाद में हिस्सा दे। बेटी का क्या नुकसान है भाई? 2-4, 10 लाख, 15 लाख नहीं मिलेगा उसको, पर उसके बदले में आपका बेटा जहन्नम में जाएगा। अपने बेटों से मोहब्बत है ना, तो विल बना दीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद शरीयत के मुताबिक तकसीम की जाए।